नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। बल्लभगढ़ के एबीवीपी छात्र संघ के दर्जनों कार्यकर्ता बैठे हैं निकिता को न्याय दिलाने के लिए धरने पर। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फायदा, 5 सालों में 871 से 923 तक पहुंचा लिंग अनुपात। बड़ौदा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस हैं हरियाणा के दुश्मन। अब ग्रुप सी और डी के रेगुलर कर्मचारियों को हरियाणा सरकार देगी 18,000 रुपए और 12,000 रुपए का फेस्टिवल एडवांस। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को क्लीन चिट, राजनीति पारी की करेंगे नई शुरुआत। निकिता हत्याकांड के दोनों आरोपियों का आज 2 दिन का रिमांड हुआ खत्म, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया कोर्ट में पेश। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पीएम मोदी के करीबी दोस्त केशुभाई पटेल का हुआ निधन। बाल बाल बचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पटना एयरपोर्ट पर करानी पड़ी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुंगेर में हिंसा, एसपी कार्यालय पर हमला, पुलिस की गाड़ियां फूंकी। फरीदाबाद के थाना डबुआ पुलिस ने 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को दबोचा। डॉक्टर से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पलवल पुलिस ने किया गिरफ्तार। राप्ती सागर ट्रेन को 260 किलोमीटर दौड़ाने के बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह जैन ने भोपाल जंक्शन से बच्ची के किडनैपर को किया गिरफ्तार। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत की ओर। आश्रम चैप्टर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, बाबा निराला की डार्क साइड देखने को मिलेगी। आज वर्ल्ड इंटरनेट डे है। इंटरनेट वर्तमान में हम लोगों की जरूरत बन चुका है। सोचिए, कोरोना काल में अगर इंटरनेट ना होता तो हमारा जीवन कैसा होता। यहाँ तक कि इंटरनेट के माध्यम से न्यूज एनसीआर की खबरें आप तक पहुँचती हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज एनसीआर। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए।